और आर्यन ठाकुर इस वक्त एक इंडियन स्टूडेंट हैं, वो हमारे साथ यूक्रेन से मौजूद हैं। आर्यन, सबसे पहले आप बताएं कि आप किस इलाके में हैं एग्जैक्टली यूक्रेन के, और वहां पर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि बहुत चिंताजनक खबरें यूक्रेन से हमारे पास आ रही हैं। जी नमस्ते जी, पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं टर्नोबिल से हूँ यूक्रेन में, और यहाँ पे सब कुछ सेफ है फिलहाल, लेकिन हमें न्यूज आ रही है कि आसपास वाली सिटीज में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। जैसे अभी विनिसिया में रेलवे स्टेशन पर बम ब्लास्ट हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी उसके सामने ही बम ब्लास्ट हुआ, और कीव एयरपोर्ट पे भी बम ब्लास्ट हुआ था। मेरे कुछ फ्रेंड्स वहां से भी लौट कर आ रहे हैं, तो स्टेशन अभी फिलहाल हमारी सिटी में सेफ है, लेकिन यूक्रेन में सेफ नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है। आर्यन, कीव एयरपोर्ट से जो हमारे पास जानकारी आ रही है, एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो रद्द कर दिए गए हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि रशियन फोर्सेस का यहाँ पर कब्जा हो गया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स थे जो कि कीव एयरपोर्ट के रास्ते दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे, हिंदुस्तान आने की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त आप लोग जो हैं वो किन हालात में हैं, कितने सेफ हैं, कितने सिक्योर हैं, ये सबसे पहले बताएं। जी देखिए, ये सेफ्टी हमारी सेफ्टी एम्बेसी के अंडर है। हाँ। और यूनिवर्सिटी ने लगभग सही नहीं किया स्टूडेंट्स के साथ, जैसे वो बोलते रहे कि सिचुएशन ठीक है, क्लासेस ऑनलाइन नहीं कर रहे थे। और जो कीव में मेरे दोस्त गए थे वो अब वापस आ रहे हैं, और सुनने में आया कि एयर इंडिया की फ्लाइट थी जो इवैक्यूएशन के लिए, वो भी दिल्ली से जब उड़ी तो दिल्ली वापस लैंड कर गई। और बाकी कीव एयरपोर्ट पे बम ब्लास्ट हुए, और मेरे जो दोस्त है वो रास्ते में विनिसिया रुके थे, टर्नोबिल आते आते जो कीव से वापस आ रहे थे, और विनिसिया में भी बम ब्लास्ट हो गया। अच्छा जी, तो सब लोग सुरक्षित हैं? लगभग अब तो कोई स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचा है अभी तक। अच्छा, आप जहां पर जिस इलाके में मौजूद हैं वहां पर कितने भारतीय स्टूडेंट्स हैं, कितने भारतीय मूल के लोग हैं, और उनको लेकर एम्बेसी की तरफ से क्या एडवाइजरी आप लोगों को जारी की गई है, क्या बताया गया है कि ऐसे वक्त में क्या करें? यहाँ पे लगभग 18,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स है जी, और उसमें से अभी तक बहुत कम ही वापिस लौटे थे हमारी यूनिवर्सिटी से, तो बहुत ही कम, क्योंकि इन्होंने क्लासेस ऑनलाइन नहीं की थी। और एम्बेसी ने हमें जारी किया है कि डरने की बात नहीं है, एम्बेसी इस टाइम पूरी एक्टिव है, और हम एम्बेसी के कॉन्टेक्ट में है रेगुलर। एक हमारे साथ एम्बेसी के कॉन्टेक्ट में है स्टूडेंट्स, और ये लोग सेफ एंड सिक्योर है, एम्बेसी के अंडर में है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।